सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत सीआरपीएफ 18वीं बटालियन वॉलीबॉल टूर्नामेंट आज कुलगाम में एक प्रभावशाली और रंगारंग समापन समारोह के साथ संपन्न हुआ। टूर्नामेंट का आयोजन युवाओं के खेल कौशल को विकसित करने और उनकी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाने के उद्देश्य से किया गया था। टूर्नामेंट में 16 वॉलीबॉल टीमों ने अपना प्रतिभाग किया। फाइनल मैच कुलगाम और बेहीबाग टीमों के बीच खेला गया। अंततः सन श्राइन वॉलीबॉल बेहीबाग की टीम ने फाइनल मैच जीत लिया। इस अवसर पर एसएसपी कुलगाम साहिल सारंगल और कमांडिंग ऑफिसर 18वीं बटालियन बीएके चौरसिया समापन समारोह के मुख्य अतिथि थे। सभा को संबोधित करते हुए एसएसपी कुलगाम साहिल सारंगल ने कहा कि खेल गतिविधियों का युवाओं के सामाजिक और मानसिक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है और खेल नेतृत्व गुण विकसित करते हैं और अनुशासन की भावना पैदा करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि खेल गतिविधियों में युवाओं की भागीदारी भी युवाओं को नशे की लत से दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, जो वर्तमान में एक बड़े खतरे के रूप में विकसित हुई है। उन्होंने विजेता और उप विजेता टीमों के बीच ट्रॉफी वितरित की और सभी भाग लेने वाली टीमों को स्थानीय युवा खेल कीट का मनोबल बढ़ाने के लिए खेल कीट भी वितरित की। मेरा नाम है फाजिल आजाद, हम सनशाइन क्रिकेट क्लब वॉलीबॉल के कैप्टन हैं। आज हम लारू कुलगाम सीआरपीएफ 18 बटालियन के कैंप में आए थे। इधर एक टूर्नामेंट इनाकाद किया गया था एटन सीआरपी तरफ की तरफ से, और ये टूर्नामेंट बहुत ही अच्छा था। इससे यूथ प्ले की तरफ मुहरिब हो रही है और ड्रग्स से दूर हो रही है। मेरी यही मैसेज है जवानों की, प्ले गेम्स अवॉइड ड्रग्स। जी मेरा नाम मोहम्मद हुसैन भट्ट, सनशाइन वॉलीबॉल क्लब का मैं कोच हूँ, और यहाँ पे आज 18 बटालियन की तरफ से अंडर सिविक प्रोग्राम के तहत वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद हुआ। हम बहुत आभारी हैं, शुक्रगुजार हैं इनका कि उन्होंने इस टूर्नामेंट को यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया, और हम आगे भी तवक्का रखते हैं कि आने वाले वक्त में भी ऐसे प्रोग्राम्स आएंगे। और क्योंकि आपको पता है डे बाई डे जो यूथ है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं ड्रग्स की तरफ, लेकिन अगर ये ऐसे टूर्नामेंट होंगे तो यूथ उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। हम फिर से उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ऐसे टूर्नामेंट का आरपीएफ 18 बटालियन का हम बहुत आभारी और शुक्रगुजार हैं। एनटीवी टाइम, जनता की बात जनता के साथ।